वेलकम बैक गाइस, आज मैं आपको N95 मास्क के यूजेस नहीं बल्कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और गाइस, ये सारा डाटा मैंने FDA की ऑफिशियल वेबसाइट से और जो कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं वहां से ये डाटा कलेक्ट किया है। और आपको थोड़ी सी हैरानी होगी इस वीडियो को देखने के बाद, इसलिए इस वीडियो को आराम से देखना। सबसे पहले तो गाइज, मैं आपको N95 के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो गाइज, जो N95 मास्क काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में, जो कि एयरबोर्न पार्टिकल्स को फिल्टर करने के लिए काफ़ी फेमस है। ये अपने नाम के कारण भी गाइज फेमस है। N का मतलब है नॉट रेजिस्टेंस टू ऑयल, और 95 का मतलब है कि ये 0.3 माइक्रोन्स के पार्टिकल्स हैं या उनसे ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, ये उनको 95% फिल्टर करता है। अगर 0.3 माइक्रोन से कम के पार्टिकल्स हैं, ये उनको फिल्टर नहीं करता। और सबसे शॉकिंग न्यूज़ ये है कि अगर आप इन वेबसाइट्स पर विजिट करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है CDC ने कि N95 मास्क वो रेकमेंड नहीं कर रहा COVID-19 के लिए, मतलब कोरोना वायरस के लिए वो रेकमेंड नहीं कर रहा। तो गाइज, जो N95 मास्क हैं, अगर आप उनको यूज़ कर रहे हैं तो आप थोड़ा हैरान हो जाएंगे। जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है उसके हिसाब से ये आपको हाइपोक्सीमिया और हाइपरकार्बिया करवा सकता है। अब हाइपोक्सीमिया का मतलब है कि ये आपके जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन लेवल को कम कर सकता है, और जो हाइपरकार्बिया की जो बीमारी है, जो डिजीज़ है, उसका मतलब ये है कि ये आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बढ़ा सकता है। अब अगर आप N95 मास्क का रेगुलर यूज़ कर रहे हैं इस टाइम में, तो गाइज हो सकता है कि आपको बहुत सारे वायरस इन्फेक्शन भी हो सकते हैं या फिर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। कैसे? देखिए, पहली बात तो है कि FDA ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि ये पूरी तरह से डिस्पोजेबल मास्क हैं और सिंगल टाइम यूज़ हैं। मतलब कि अगर आपने एक टाइम इसको यूज़ कर लिया है तो उसके बाद आप दोबारा इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब कम से कम आप इसे 8 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा करेंगे तो आपको हाइपोक्सीमिया या फिर हाइपरकार्बिया की दिक्कत हो जाएगी, जिससे आपका जो शुगर, जो आपका ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जिससे आपको डिजीनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की दिक्कत हो सकती है। और ये सारी दिक्कत SARS से रिलेटेड है, मतलब कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मतलब कि जिस बीमारी से आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे वो बीमारी आपको हो सकती है। ख़ास तौर पर वो लोग जो दिल के पेशेंट हैं या फिर सांस के पेशेंट हैं। ओके, तो इन लोगों को तो N95 बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं किया जा सकता। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, जो लोग यूज़ कर रहे हैं N95 मास्क को, तो गाइज इसको यूज़ करने के बाद इसको दोबारा मत पहनिएगा। रीज़न क्या है, देखिए, जब आप मास्क को पहनते हैं, पहनने के बाद कोई ना कोई व्यक्ति तो सांस लेगा ही और बोलेगा भी। जब तक व्यक्ति बोल रहा है, सांस ले रहा है मास्क को पहनकर, ठीक है, लेकिन जब उसने मास्क को उठाकर रख दिया तो जो मास्क का अंदर का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। डाउन होने पर जो हमारा थूक मास्क पर गया है बोलते टाइम, सांस लेते टाइम, वहाँ पर जो निकालने के बाद मास्क का टेम्परेचर कम हो जाता है, और वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हैं, उनको पनपने का मौका मिल जाता है। और अगर आप दोबारा उस मास्क को पहनते हैं तो आपको वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन तक का सामना करने को पड़ सकता है। और ये रिसर्च भी हो चुकी है कि जो लोग काफ़ी लंबे समय से 8-8 घंटे से ज़्यादा समय तक N95 मास्क को पहन रहे थे, उनकी जो ABG रिपोर्ट है गाइज, उनमें चेंजेस देखने को मिले हैं। यहाँ तक कि EEG जो टेस्ट होता है उसमें भी चेंजेस देखने को मिले हैं, अटेंशन टेस्ट स्कोरिंग में भी चेंजेस देखने को मिले हैं। और ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप N95 मास्क को यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।